हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। 50 सालों से मैं ये शॉप चला रही हूँ, लेकिन इस बुक की जितनी डिमांड है उतनी किसी बुक की नहीं हुई। आखिर इस बुक में ऐसा क्या है जिसे देखो आकर यही बुक मांगता है? और अब तो बुक का स्टॉक भी खत्म हो गया है। इस बुक की सेलिंग इतनी हो रही है? मिली क्या? नहीं। आपके पास जर्सी बुक नहीं है क्या? ओह, अभी अभी लास्ट कॉपी बेच दी, आई एम सॉरी। आखिर ऐसा क्या है उस बुक में? आज तक की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है वो, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने हारने के बाद भी हार नहीं मानी। वो हम सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं उन्हें अपना आइडल मानती हूँ। एक बात तो सच है यार, ऐसे लोग ही मोटिवेट करते हैं। Excuse me. Hi. अगर आप चाहें तो ये बुक रख सकती हैं। हमने आपसे मांगी क्या? आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? ए, तो चुप करना। आप क्या बोलना चाहते हैं? ये मेरे पापा हैं। अगर आप पढ़ेंगी, इनके बारे में जानेंगी तो मुझे खुशी होगी। या Have a good day. Wow, ये कितना lucky है यार। हाँ यार। तुम्हारी book बहुत ही successful हुई है and everything is sold out. Thanks. सारे news channel पे यही खबर आ रही है और BCCI भी तुम्हें call करेगी। वो किस लिए? वो तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, पहले मुझे good news देनी थी। अर्जुन की याद में हमने यहाँ इंडिया में एक function रखा है, तुम्हें आना है। और हाँ, मम्मी को भी लेकर आना। हाँ, जरूर आएंगे। Thank you. Thanks a lot. ठीक है, फिर function में मिलते हैं। Yeah. Bye. Bye. तुम सच में lucky हो कि ये तुम्हारे पापा हैं। मन तो कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं, क्योंकि तुम्हारे पापा महान इंसान थे। अपने पापा के बारे में हमें और कुछ बताओ ना। के लिए न्यूयॉर्क क्या गए, वहीं क्यों होके रह गए? और साथ में मेरी बेटी सारा को भी ले गए। हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। अगले महीने प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं हैदराबाद वापस आ जाऊंगा। ए जॉनी, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। हाय सारा। हाय। हेलो। अच्छा हूँ। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कुछ शख्सियत ऐसी भी हुआ करती हैं जिन्हें हम चाह कर भी भुला नहीं सकते, और हम उन्हें किताबों के माध्यम से जिंदा रखते हैं। हमारे बीच एक महान क्रिकेटर मौजूद था, लेकिन हम उसे ठीक से पहचान नहीं पाए। उससे ठीक से पहचान कराने के लिए एक किताब लिखी गई, ताकि वो हमेशा हमारे बीच जिंदा रह सके। वो किताब लिखने वाली ये है। मैं पूरी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से इनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अर्जुन एक ऐसा नायाब हीरा था जो हमारे बीच मौजूद था, लेकिन हम उसे परख नहीं पाए। रिटायर होने की उम्र में उसने अपने करियर की शुरुआत की और दुनिया के लिए मिसाल बनकर अपनी छाप छोड़ गया। कामयाबी हर एक को नसीब नहीं होती, हजारों लाखों में से किसी एक को मिलती है। अर्जुन की कहानी उस कामयाब इंसान की नहीं है, बल्कि उस नाकामयाब इंसान की है जो नाकाम होने के बाद भी बार बार कोशिश करता रहा। बहुत अफसोस होता कि जिसे अपने दौर के सितारों के साथ कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए था, वो उस मैच को जिताने के बाद पता नहीं हमारे बीच से कहां गुम हो गया। मुझे पुराने BCCI डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने की अनुमति है, इसीलिए मैंने लिस्ट निकाली।
1996 रणजी फाइनल्स के बाद की। उसमें से जो लोग भी इंग्लैंड टूर के लिए इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए थे, और आपको जानकर शायद ये आश्चर्य हो कि अर्जुन को उस टीम में सिलेक्ट किया गया था, और अगर वो उस टीम में खेलता तो 40 साल की उम्र में खेल की शुरुआत करने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी होता। लेकिन अफसोस, उसकी दुनिया बिखर के रह गई। मैं अब अर्जुन के बेटे को स्टेज पर बुलाने की इजाजत चाहूंगा। हमारे पास इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ है जो हम इस फैमिली को देना चाहते हैं। जाओ बेटा। थैंक यू। हेलो अंकल, ये तुम्हारे लिए है। चोरी करना बुरी बात है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग मुझे चोर का बेटा कहें। आपने अपने घर में चोरी की। I hate you, पापा। आप अच्छे पापा नहीं हो। पापा, मुझे माफ कर देना। आज से 23 साल पहले जब मैं 6 साल का था तो अपने बर्थडे पर मैंने पापा से इंडियन जर्सी मांगी थी, पर वो उस वक्त नहीं दे पाए। मेरे पापा वादों के बहुत पक्के इंसान थे। देखिए ना, इस दुनिया में ना होने के बावजूद उन्होंने अपना वादा निभाया। I miss you, Dad. मेरे पापा की दुनिया सिर्फ मैं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने पापा को जीते जी मार डाला। मैंने उन्हें नाराज किया, उनकी बेइज्जती की, ये कहकर कि वो चोर हैं। मेरी वजह से उनकी दुनिया बिखर कर रह गई, और आज मुझे उस गलती का एहसास हो रहा है। मेरी नजरों में हीरो बनने के लिए उन्होंने दोबारा खेलना शुरू किया। आज सुबह मैच के बाद मेरे बच्चे का सर फक्र से ऊंचा हो गया था। अब चाहे कुछ भी हो जाए सर, मैं फिर खेलना चाहता हूँ। अगर कोई और उनकी जगह होता तो शायद डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन मेरे पापा एक फाइटर थे। उन्हें हालात का सामना करना अच्छी तरह से आता था। 40 साल की उम्र में मैदान में वापस आकर उन्होंने बता दिया कि वो एक असली हीरो हैं। उनकी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी वो मेरी वजह से मैदान में उतरे और एक जांबाज खिलाड़ी की तरह, ये तेरे लिए जॉनी, अपनी जान पर खेलकर रणजी ट्रॉफी लेकर आए। आइए मैं आप सबको मेरे पापा यानी कि एक महान खिलाड़ी से मिलवाता हूं। दो ट्रिपल सेंचुरीज, 7 डबल सेंचुरीज, 36 सिंगल सेंचुरीज, 78 हाफ सेंचुरीज, उस समय के महान बैट्समैन मेरे पापा अर्जुन। सारा मेरी माँ पापा से बेइंतहा मोहब्बत करती है। सोने भी नहीं देते। मेरी 8 o'clock की शिफ्ट है।
एक घंटा और सोने दो प्लीज। जॉनी प्लीज शोर मचाना बंद करो। बस घर पिटवाएगा क्या? फ्राइडे क्या है पता है ना? फ्राइडे ही है। वो मुझे भी पता है। डेट क्या है? 10 जुलाई है। उस दिन मेरे चैंपियन जॉनी का बर्थडे है। पापा, स्कूल टीम में मेरा स्कोर सबसे ज्यादा है, फिर भी मूर्ति सर ने विशाल को कैप्टन बना दिया। ऐसा क्या? हाँ पापा, और उसके पास इंडियन जर्सी भी है, टीम से भी फुल सपोर्ट है। हर मैच में ना वो जर्सी पहन के स्टाइल मारता है। पापा सुन रहे हो ना? अगर मेरे पास भी वो जर्सी होती ना तो मैं ही टीम का कैप्टन होता पापा, है ना पापा? अगर आज मैं टीम में होता तो ये जर्सी का मोहताज ना होता। जॉनी, एक अच्छे खिलाड़ी को हमेशा खेल पे ध्यान देना चाहिए, इस चीज पे नहीं कि किसने क्या पहना है। गेम पर ध्यान दो बेटा। टीम का कैप्टन सिर्फ अच्छा प्लेयर ही नहीं बल्कि एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए, और ये जो कोच होते हैं ना, ये अच्छा लीडर ही ढूंढते हैं, समझा? छाजा मैदान पे जा, जल्दी पैर चला, बाद में स्कूल भी जाना है। रास्ते में स्पोर्ट्स शॉप पे भी तो टाइम जाएगा। तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है ना? जर्सी ला के दोगे ना पापा? जॉनी, अभी तो आपका हाथ भी मेरे सर पर है, तो इसीलिए प्रॉमिस हो गई है। और देखो मेरे फिंगर्स भी क्रॉस्ड है। अगर आपने ये प्रॉमिस तोड़ी तो मैं और भगवान दोनों आपसे नाराज हो जाएंगे, और आप तो कभी मुझे नाराज नहीं करते। जर्सी के लिए कुछ करना पड़ेगा। गेम देखते देखते सोचता हूँ। चंगा खेल रहा है ना जी? बॉयफ्रेंड है मेरा। कभी मेरे गेम पे भी कोई मरती थी? अरे चक्के फटते सुपर, एक चकोर जमा दे। ये छोकरी क्यों चिल्ला रही है? अब चिल्लाई तो कान पकड़कर बाहर कर दूंगा। खत्ते ता पुत्र, कोच नहीं वॉचमैन होना चाहिए था इन्नू। तुम्हारे बॉयफ्रेंड में टेक्निक की कमी है, उसका फुटवर्क ठीक नहीं है, लेग स्पिन पर आसानी से आउट हो सकता है। मुझे हल्के में ले रही है, अब कैसे बताऊं कि मैं चैंपियन रह चुका हूं? बड़ा खुद को गावस्कर समझ रहे? तुसी सही बोल रहे हो? सच में आउट हो गया ये तो। इधर काली सुबाने ली, उधर उसकी डंडी उड़ी, रायता फैल गया। सोचा तो 2-4 कवर ड्राइव लगा के मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएगा, अब तो रिक्शा में ही जाना पड़ेगा। चलो। तुम आउट क्यों हुए मैं तुमको बताती हूँ। देखो अगली बार अगर बाउंस बॉल आए ना तो घुटने के बल बैठकर फिर शॉट मारा करो, और अगर बॉल फास्ट हो ना तो आंख बंद करके एक पैर उठा के फिर मारने का। क्या ये बकवास किसने बताई? मैंने पता है। अच्छा लूजर। चलो। हेलो चैंपियन, कैसे हो तुम? ठीक हो सर, पर आप तो जानते हैं जमाना हो गया गेम छोड़ के, फिर भी आप चैंपियन बोल बोल के ताना मारते हैं। अरे ताना नहीं मार रहा हूँ, हमारे क्रिकेट क्लब में तुम जैसा स्टाइलिश बैट्समैन कौन है बताओ? तुम्हें तो इंडियन टीम में खेलना चाहिए मेरे बच्चे। जाने दो ना सर, क्यों याद दिला रहे हो? कैसे जाने दो,
फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम में ट्रिपल सेंचुरी, 3 डबल सेंचुरी, 28 सेंचुरीज, 65 हाफ सेंचुरीज और सेंचुरी। बीवी कैसी है तुम्हारी? बीवी जैसी है। अच्छी लड़की है, उसे भी तेरा गेम बहुत ज्यादा पसंद है। नमस्ते साहब। सारा सामान आ चुका है ना? हाँ साहब आ गया। अंदर वॉचमैन से चाबी ले लो और स्टोर रूम में रखवा दो। ठीक है साहब। न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आ रही है। इंडिया से वनडे इंटरनेशनल खेलने के पहले हैदराबाद क्लब से उनका चैरिटी मैच होगा, उसी की अरेंजमेंट चल रही है। इंडिया की तरफ से जब तुम खेल रहे थे तब 5 छक्के मारे थे। यादों पे जमी धूल कब तक हटाते रहेंगे? वो यादें ही तो होती हैं जिसके सहारे इंसान जिंदा रहता है। उन यादों के आशियाने को मैं तोड़ चुका हूं। उसे तुमने तोड़ा नहीं बल्कि छोड़ के भाग आया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्लब में असिस्टेंट कोच की जगह खाली है जिसके लिए तुम परफेक्ट हो, और मैं चाहता हूं वो जगह तुम्हें ही मिले। सर मुझे क्रिकेट छोड़े 10 साल हो चुके, क्रिकेटर तो बन नहीं पाया, अब उसी जगह पर असिस्टेंट बन के घूम ये मुझे मंजूर नहीं। एक बार और सोच कर देखो, जब तुम ग्राउंड के अंदर होते हो तो तुम्हारे चेहरे की चमक ही अलग होती है। वो चमक मैंने पिछली बार देखी थी जब तुम 94 रन पर खेल रहे थे और आखिरी बॉल पर तुमने जो बल्ला घुमा के छक्का मारा था। गेंद को बॉलर के ऊपर से उछाल दिया है 6 रनों के लिए। अब देखो क्या बोलते हैं। अरे नो डाउट पक्का तेरा। कांग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्ट हो गए। थैंक यू। ओए मुबारक हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओए कांग्रेचुलेशंस, ओए तू सिलेक्ट हो गई। क्या बात है। ओए अब तू लगा चौके छक्के। कांग्रेचुलेशन यार, आज पार्टी चाहिए। सिर्फ पैसे और सिफारिश का खेल चल रहा है यहाँ। रातों रात लिस्ट बदल दी गई। पता है तुम इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो चुके थे लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे को तुम्हारी जगह दे दी उन बेईमानों ने। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ ये इस तरह का पागलपन करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इससे पहले भी तो रिजेक्ट हो चुके हो ना? हाँ बर्बाद होना चाहते हो? अच्छा देखो बेटा, इंटरनेशनल खेलना है तो थोड़ा बहुत वक्त तो लगेगा, अभी और कई पड़ाव पार करने हैं तुम्हें। 30 साल का हो चुका हूँ सर, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है, अगर सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दिया तो वो तो भूखे ही मर जाएंगी, और 1 साल की तपस्या मुझसे नहीं होगी सर, ये फिर मुझे रिजेक्ट कर देंगे। अगले साल रिजेक्ट हो गए तो फिर कोशिश करना, क्रिकेट छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। सोच नहीं रहा हूं सर, मैं छोड़ चुका हूं। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन रुको। क्या ढूंढते रहता है इस तस्वीर में? इन फोटोज में ना आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए देखता हूँ। पापा हम सच में स्पोर्ट्स शॉप जा रहे हैं ना? ये! जाके देखो नया बैट आया क्या, तब तक जर्सी ले लेता हूँ। ओके पापा। अच्छा अर्जुन, जॉनी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? ग्राउंड से आ रहे हो ना? इंडियन टीम की जर्सी। हाँ है ना, एकदम ओरिजिनल लिमिटेड एडिशन, बहुत डिमांड है उसकी। अच्छा कितने की पड़ेगी? 500 रुपया। परसों जॉनी का बर्थडे है, वही जर्सी मांग रहा है, अभी थोड़ी तंगी चल रही है तो आप मुझे जर्सी दे दीजिए, मैं पैसे का बंदोबस्त कर दूंगा। देखो अर्जुन, मेरी शॉप का भाड़ा है 10,000, ऊपर से मैंने बैंक से लोन भी लिया है, फिर वर्कर की सैलरी, मेंटेनेंस, ये सब मिला के 20,000 होता है। खुद को मेरी जगह रख के देखो, दे पाओगे तुम? तुम सच में अच्छे प्लेयर हो अर्जुन, तुम्हारी इज्जत करता हूँ मैं, और इसीलिए तुमको ना कहने में शर्म आ रही है। पापा जर्सी ले ली। अरे जॉनी बेटा, तुम्हारी साइज की स्टॉक में है नहीं, कल तक आ जाएगी, पापा ले आएंगे। हाँ ये पोस्टर बर्थडे गिफ्ट है मेरी तरफ से। थैंक यू अंकल। तेरा पुत्र। चलो उठ।
चल 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 जॉनी चलो। हाथ जोड़ने के लिए रोज बोलना पड़ेगा क्या? गॉड जॉनी मुझे परेशान ना कर। चल जॉनी जल्दी कर, गो गो गो। चल चल रिक्शा छूट जाएगा। बाय बाय जान दर। बाय पापा। बाय। सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए मैंने 100 रुपए टीवी के नीचे रख दिए हैं। ऑलरेडी ड्यू डेट पार हो गई है, पे नहीं किया तो बिजली काट देंगे। जॉनी के गिफ्ट के लिए पैसे चाहिए थे। कितने? 500 रुपए। लॉयर के पास गए थे? नहीं, वक्त नहीं मिला। किस चीज में बिजी रहते हो तुम? दिन भर सिर्फ टीवी पर क्रिकेट देखते रहते हो और सिगरेट पी पी के अपने लंग्स खराब करते रहते हो। इसके अलावा कोई काम है? दोबारा कुछ काम धंधा करोगे भी या नहीं? छत कितने दिनों से टपक रही है बाबू? 1 महीने से बोल रही हूँ तुम घर पे बैठे हो तो छत ही ठीक कर दो। मुझे 500 रुपए की जरूरत है। देखो तुम अभी से उसकी आदतें मत बिगाड़ो। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, सॉरी, उसे कुछ और दे दो। मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं। ओ, तुम्हें पता है? मैं नहीं दूंगी। ओके सर। बिजली का बिल याद से भर देना और लॉयर से बात करके कह देना कि तुम्हें फंसाया गया है। कोई मेरे जज्बात नहीं समझता। कहां से लाऊं 500 रुपए? हे राजेश, आज मुझे काम है यार, आज नहीं। काम है तो तू जाना, चाबी हमको दे दे। चलो रे। सलाम। हेलो। आज सुबह ही 4 बातें सुना के गई है। हाँ तो बैठ के गम गलत करते हैं ना। कम पड़ेगा। देख, आज का प्रोग्राम कैंसिल करते, वो जल्दी घर आ गई ना तो। अर्जुन बहुत मारेगा क्या? नहीं, पैसे नहीं है। 5 जन खेल रहे, 1 दाव जीता तो सीधे 500 अंदर। 500 जर्सी के पैसे। हे राजेश, मेरे पत्ते भी बांट। ये हुई ना बात। देखना, ऐसा पीसूंगा कि सबके पैसे खींचूंगा। अर्जुन जीता तो उधर के 100 रुपए वापस दे देना। चल जगा दे। सरक रे। बैठ। गांव बसानी लुटेरा पहले आ गया। काट। अर्जुन, घर देख के लग रहा है कोई गवर्नमेंट क्वार्टर है। इतने सारे मेडल्स और ट्रॉफीज, ये मिले या चोर बाजार से लेके आया? सब जीते इसने, लेकिन अब ये बेचने वाला है। मैं समझा नहीं। भाई ने क्रिकेट को छोड़ा और नौकरी ने इसको छोड़ दिया। ये ले, शो जीत गया ना। अब तू जीते हुए पैसे अर्जुन को दे डाल। जुए के पैसों से सिर्फ दारू। अर्जुन एक और खेलेगा? कंगाल हो गया यार। आज शाम को श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पापा जर्सी नहीं मिली क्या? पापा मैं ना सभी दोस्तों को बता चुका हूँ कि आप मुझे जर्सी गिफ्ट करने वाले हो, आप लेके आओगे ना? इस महाअधिवेशन में मंत्रिमंडल के विस्तार और नए मंत्रियों की नियुक्ति के ऊपर भी चर्चा की जाए। पापा जर्सी, मुझे जर्सी चाहिए, लाके दोगे ना? सीधे गाल पे कुछ लगा है क्या? विदेशी दौरे शुरू। प्रधानमंत्री के क्या है? के बाद नए बजट पे चर्चा की जाए। एक बार बोला ना लाके दूंगा, समझ में नहीं आता तुझे? जॉनी के लिए वो इंडियन जर्सी लेनी है, सुबह बोला था ना। बाबू, ओनर से छक के बारे में बात की? मिलने गए थे? नहीं, कल जाके मिलता हूँ। बच्चा पहली बार मुझसे कुछ मांग रहा है। लॉयर से मिल के आए? कल चला जाऊँगा। बिजली का बिल भी नहीं भरा।
बेकार कैसे हो सकते हो बाबू? हाँ, इस वक्त हमारे हालात क्या है पता है ना तुम्हें? 3 महीने हो गए, रेंट तक नहीं भरा हमने, कर्जे में डूब रहे हम। नेक्स्ट मंथ जॉनी की स्कूल फीस भरनी है। आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो बाबू? पापा, कोई अंकल ना घर का फ्यूज निकाल कर ले गए। चल कैंडल जलाएगा। हाँ। सीधे खड़े हो ना। अरे थोड़ा लेफ्ट हो ना, स्टिक पहुंच नहीं रही। पापा जोर से मारो, जोर से। अरे नहीं, तुम उसकी मुंह बंद कर, अच्छे से स्माइल कर। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। थोड़ा लिपस्टिक चेक कर लो, ठीक है ना? बेटा तुम चुप रहो, तुम फोटो खींचो ना। ये हमारी फैमिली की सबसे अच्छी फोटो होगी। खींचो खींचो। रब जा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कितने जख्म दिए मैंने तुम्हें, पर इन जख्मों को मैं ही भरूंगा। हमारा परिवार फिर से खुशहाल परिवार बन जाएगा। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि गम के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये मेरा तुमसे वादा है। आई लव यू सारा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हमारा परिवार फिर से एक हंसता खेलता परिवार होगा। सारा, तुम्हारी महक में मैं खो जाता हूं। तुम्हारे सामने रात रानी की खुशबू भी फीकी पड़ जाती है। अर्जुन, यू आर नेक्स्ट। अर्जुन कहाँ है? सर वो बाथरूम गया सर। अरे अभी कैसे जा सकता है? नेक्स्ट बैठेगी उसकी। कोई मजाक चल रहा है? अरे उधर कहाँ जा रहा है? बाथरूम इस तरफ है। सर वो दूसरे बाथरूम में गया है। हे अर्जुन, बाहर आ। अर्जुन, अरे तुझे बैटिंग के लिए जाना है। कोच चिल्ला रहा है, जल्दी कर यार। वो तुम्हें बुला रहा है, जाओ। एक गुड लक किस। ठीक है, अब जाओ। गो। क्या कर रहा है भाई? कोच चिल्ला रहा है, जल्दी कर। उसे ठसका लग गया था यार, पेट थपथपा रहा था। तो ये है अच्छे बैट्समैन होने का राज। ऐसा वार्म अप मिले तो मैं भी अच्छा खेल लूं। अभी अज्जू थोड़ा आहिस्ते बोलना, हटेली खोपड़ी है वो। क्यों, वो मुझे मारेगा? अर्जुन, अरे कौन चिल्ला रहा है यार? छोड़, बैठी है। जाने दो, शाम को मिलते हैं। ये कभी नहीं सुधरने वाला। अच्छा प्लेयर है तो क्या हुआ? डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो। अरे कुछ बोलो ना उसको। माना कि तेरे अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन कमियां भी बहुत हैं। लापरवाह लोगों को कामयाब होते मैंने कभी नहीं देखा। दोबारा ऐसा कुछ करते देखा ना तो बख्शूंगा नहीं तुझे। चल जा। क्या यार, कहां था इतनी देर से? चल हट। टैलेंटेड लोगों में टैलेंट के साथ कीड़ा होना जायज है, लेकिन चलता है। मैंने पूरे करियर में ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा। शक्ति, बात है छोकरे में। पापा, मुझे किसी से प्यार हो गया है। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बाबू। ए छोटू। हाँ भाई। सॉस ले गया? मैं सीरियस बात कर रही हूँ, तुम्हें सॉस की पड़ी है? अच्छा बोलो। मैंने डैडी को सब कुछ बता दिया। सब बता दिया? ये क्या इतना नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल लगा?
सब बता दिया। ओवर एक्टिंग मत करो, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। डैडी से बात तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोज रोज इस तरह झूठ बोल के नहीं आ सकती मैं। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें शादी के लिए मना पाऊँ। तुम अगर बात करोगे तो वो जरूर मान जाएंगे। समोसा गरम है, सॉस के साथ खाओ। पी लो इसे। तुम जिंदगी में कभी सीरियस नहीं हो सकते हो। इतनी इंपॉर्टेंट बात के बीच में तुम्हें समोसा और टमेटो सॉस की पड़ी। मेरी तरफ देखो। नो। देखो ना मेरी तरफ। नो। मेरी बात सुनो। समोसे ठंडे हो रहे हैं, दोनों मिलके खा ले। अब अर्जुन आ जा। नो, इस लड़के से तुम्हारा मैरिज नहीं होएगा। पापा आप उसे जानते तक नहीं है, एक मौका तो दीजिए उसे। सारा, अगर तुम दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी बनाएगा तो हमारा सोसाइटी क्या बोलेगा? डिसूजा साहब, हम पढ़े लिखे लोग हैं। धर्म और समाज इंसान को अकेलेपन से बचाने के लिए होते हैं। गुस्से में गलत फैसला मत लीजिए। और अर्जुन का कोई कैसे नहीं है, मैं उसके पिता जैसा ही हूँ। उसको बोलो कन्वर्ट हो जाए। नहीं पापा, वो नहीं होगा। नो, वो जैसा है मैं उसे वैसा ही पसंद करती हूँ। सारा, मैं नहीं चाहती कि वो कन्वर्ट हो। नो नो नो, इतना गुस्सा क्यों हो रही? एक तरह से देखा जाए तो पापा भी अपनी जगह सही है। तुम इसका पीछे इतना पागल काहे को है? ये सिर्फ एक लोकल प्लेयर है और कुछ नहीं। ये इसका अंदर अगर टैलेंट होता तो आज ये नेशनल टीम में होता। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अर्जुन को खेलते हुए कभी देखा है आपने? दिमाग तो ठीक है ना आपका? क्रिकेट के बारे में क्या जानते हैं? ये सब क्या है? सारा तुम किधर जाता है? वेट, ये लो। अब से मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लेकिन तुम क्रिकेट कैसे छोड़ सकते हो? वो तो तुम्हारी जान है। नहीं सारा, क्रिकेट नहीं, तुम मेरी जान हो। ये लो, जाके चेकिंग करो। ठीक है साहब। ज्यादा प्यार किससे? इससे या मुझसे? तुमसे। Happy birthday! जाग जाएगा। Thank you. लॉयर के पास चले जाना, प्लीज मत भूलना। आजकल तुम लोगों की बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारी शिफ्ट का टाइम क्या है? 8 o'clock सर। और अभी कितने बजे हैं? आई एम सॉरी सर, कल रात लाइट चली गई थी। तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम से मुझे कोई मतलब नहीं है। वक्त पर नहीं आ सकती हो तो जॉब छोड़ दो। मुझे ये फालतू के बहाने बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके सर। ऑल ऑफ यू गेट बैक टू वर्क। जाने दो सारा, पता है ना सर कैसे हैं। हाँ। चलो। क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बस आजकल मैं अर्जुन से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी हूँ। पहले गुस्सा करती हूँ, फिर चिल्लाती हूँ और फिर बाद में पछताती हूँ। कहा
काजू बादाम पिस्ता अखरोट किशमिश भाई सब है तेरे मसाला मिल्क में। तू तो बहुत लकी है। 2 साल से बेरोजगार हूँ। कोर्ट के चक्कर में चट्टी भी बिकने वाली है। नया काम शुरू करने की उम्र नहीं रही। और 4 टुकड़े ड्राई फ्रूट के मिलने पर तू बोलता मैं लकी हूँ? लकी नहीं बोलो तो और क्या बोलो, मेरे में तो सिर्फ छिलके आए। अच्छा हाँ? थोड़े पैसे चाहिए थे यार। अगले महीने तुझे दे दूंगा। भाई मेरे से ऐसी कोई झूठी उम्मीद मत रख। तू भिखारी के पास मिल जाएगा, मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो ये मसाला हाँ। इसके पैसे नहीं तेरे पास? नहीं है तो नहीं है, झूठ क्यों बोलूंगा बे। मेरे बाप ने क्या घर पे मनी प्लांट लगाया है? पापा सही बोलते हैं, सारे दोस्त पैसों के भूखे होते हैं। पहले का तो दिया नहीं अभी तक। वकील सर इंतजाम हुआ कि नहीं? नहीं हो पाया। फिर काहे आए हो? मदद मांगने। इसे देख रहे हो, आज ही असिस्टेंट ज्वाइनिंग किया है। पुराना असिस्टेंट जो है प्रेग्नेंट हो चुका है, छुट्टी पर है। अरे हमने कुछ नहीं किया, शादी शुदा थी नहीं वो भी पता नहीं है। नहीं ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जिस दिन वो लड़की ज्वाइन हुई थी उसी दिन ये केस लाया था। तभी कहा था 50,000 अरेंज करके लाओ, तुम्हारा जॉब तुमको वापस दिला देंगे। 2 साल से कह रहे हैं, ईमानदार है ना, चक्कर काटते रहो बेटा। सर ईमानदारी के अलावा इसके पास और कुछ नहीं है सर, प्लीज आप। पर पैसे किस बात के तू सर, मैं तो बेकसूर हूँ। लगता पैसे अकेले हम खाएंगे? कुछ नहीं बचेगा, पुलिस को देना है, ऑडिटर इंस्पेक्टर साहब चपरासी तक को देना पड़ेगा। हमारे पास चिल्लर बचेगा, भिखारी हैं हम। अरे तोहरे साथ वाले जितने भी लोग हैं सबके सब आराम से जाप कर रहे हैं। ईमानदारी मुंह काला बेईमानी के बोलबाला, समझ गए कि नहीं? समझ गए। कहा समझे? रिश्वत के इल्जाम की वजह से इसकी जॉब गई थी सर, अब जॉब वापस लेने के लिए भी इसे रिश्वत देनी पड़ेगी। पैसा हो ना हो लेकिन चर्बी बहुत चढ़ा है, नौकरी की जरूरत है। 10 साल के अंदर 3-3 प्रधानमंत्री बदल गए हैं, अरे उनके जॉब का पता नहीं है, तुम का चीज हो। भाई तूने मुझसे सुबह 500 रुपए मांगे थे ना, अचानक ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई भाई? कल जॉनी का बर्थडे है, उसे गिफ्ट में एक जर्सी चाहिए, उसी के लिए पैसे मांगे थे। वो जर्सी मतलब क्रिकेटर जो टी शर्ट पहनते वही ना? अबे तू भी ना, 500 रुपए की मांग रहा है, मुद्दे की बात पे आता, चल छपरा बाजार चल। 500 रुपए डालने की क्या जरूरत है जब 50 रुपए में फर्स्ट क्लास जर्सी मिल जाएगी। ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है खुद सचिन तेंदुलकर नहीं बता पाएगा। चल अभी उतर। उतर भाई, आइंदा ऐसी बकवास मत करना। अब माना जर्सी मामूली सी चीज है पर धोखा देना मेरी फितरत नहीं है। ठीक है एक और आइडिया मेरे पास, तू चलना बाइक निकालना, एक मांगू आइडिया, चल किक मार। जो पूछना है पूछो, मैं काम छोड़ कर आया हूँ। यार थोड़े पैसे की जरूरत है, अगले महीने तुझे दे दूंगा। कितना? 500 रुपए। 500? तो फिर इतना शर्मा क्यों रहा है? वो जॉनी का बर्थडे इसलिए, वरना मैंने तुझसे कुछ पूछा? पता नहीं कब बड़ा होगा तू। अरे इतना कैश तो नहीं है मेरे पास। एक काम कर, तू घर जाके पारो से पैसे ले ले, मैं उसे कॉल करता हूं। बीवी को बीच में मत ला, पिछली बार उसने बहुत हंगामा किया था, जाने दे। क्या? अरे उसे नहीं पता था कि हम लोग जिगरी हैं। तू टेंशन मत ले, बिंदास घर जा, वो कुछ नहीं बोलेगी। नहीं यार पैसे तुझसे ही लूंगा, कल सुबह देगा तो भी चलेगा। शाम को तो मैं राजस्थान जा रहा हूँ, परसों सुबह लौटूंगा तो तब ले लेना, ठीक है? ए, 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 परसों नहीं, तू पारो को फोन कर, हम घर जाके लेते हैं। और राजस्थान से दाल बाटी ले आना, ठीक है? बाय। अभी एक नई मुसीबत, अपने ग्रुप में एक ही हलकट है जो पैसा ला सकता है। तुम तीनों मुझे क्यों देख रहे हो? मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जाना भाई नहीं है मेरा। हमेशा तू मुझे ही सूली पे चढ़ाता है, उसके हाथ से पैसे लेने का मतलब है खूनी डायन के मुंह से पैसे निकालना। भाई प्लीज जाना। ए पिछली बार याद है क्या हुआ था? हम दिवाली पे गए थे, उसने बासी कचौरी में 3 दिन पुरानी चटनी। तो इतना बुरा सोच क्यों रहा है? हो सकता है इस बार सब अच्छा। ठीक है जाता हूँ, लेकिन तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे? आज तो ये बहुत अच्छे मूड में लग रही है, हापुस दे रही है, दिल कापुस का हो गया है ना? अर्जुन आजकल तो अपने चकने के बांधे हो गए हैं। आम उठा लेता हूँ, शाम को काम आएगा, क्यों है ना? मैं नहीं खाऊंगा। तुझे तोतापुरी पसंद है? मुझे लंगड़ा पसंद है। तुम्हें खाया है क्या?
भी खिलाना। मेरे को देने के लिए तेरे पास कभी पैसे नहीं होते, लेकिन दोस्तों को देने के लिए हमेशा पैसे रहते हैं। अब की बार अगर तेरे दोस्तों ने पैसे वापस नहीं किए ना, तो उस राजेश की घड़ी छीनकर मैं चोर बाजार में बेच दूंगी। अरे मेरे बाप से तूने जो कर्जा लिया है वो कब वापस दे रहा है? याद है राजेश 5,500 रुपए लेकर गया था, शादी पे लिया था, अब तो बच्चा भी हो गया, अभी तक वापस नहीं किया। तेरे को 500 की बनारसी साड़ी मांगी तो बाजार से 50 की नाइटी लाया। बर्थडे उसके बेटे का है तो पैसे हम क्यों दें? सुन रहा है तो सुनने देना, मैं क्या डरती है क्या? उसको जरा सी भी शर्म होती ना तो कर्जे पे कर्जा मांगने नहीं आता। तू राजस्थान से आ फिर बताती हूँ। हाँ हाँ मिल गया पैसा, चल जल्दी फोन रख। साढ़े 5,000 कैसे हो गए बे? 5 ही तो लिए थे। मुझे शादी में 500 जो लिफाफे में दिए थे वो भी जोड़ दिए क्या? चलो अपनी अपनी जेब हल्की करो भाई लोग, मेरे पास कितना है? ये तो भारी लग रहा है, कुछ निकलता है क्या? दे बे करोड़पति। अरे पूरा 6,500 रुपए ले भाई, तेरी समस्या का समाधान। एक क्वार्टर रम आएगा और एक पैकेट सिगरेट, टल्ली हो जा और सब भूल जा, पकड़ना भाई। ए मूर्ति सर, अरे कहाँ थे तुम? सुबह से तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ यार, बड़े किस्मत वाले हो तुम। इसकी किस्मत ठंडी के मारे चद्दर ओढ़ के सो गई है, बात क्या है वो बताइए। हैदराबाद क्लब वर्सेस न्यूजीलैंड, चैरिटी मैच होने वाला है, बताया था ना? अरे जब कल चाय पी रहे थे तब बोला था ना मैंने, हैदराबाद टीम को एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत है, तुम्हारे लिए बात कर ली। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। यू आर प्लेइंग टुमारो। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ पर मैं किसी भी हाल में क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। क्या कहा, नहीं खेलना चाहते हो? पता है ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। यही मौके नासूर बन जाते हैं सर। मैं इतने सालों में सिर्फ एक कोच का असिस्टेंट ही बन पाया हूँ, लेकिन तुम अपने टैलेंट से एक कामयाब असिस्टेंट कोच बन सकते हो। इसे कैसे समझाना मैं जानता हूँ, तू चल मेरे साथ। चल सुन तो, क्या है पैसे का बंदोबस्त हो गया क्या? मेरे पास एक आइडिया है, मूर्ति के पास पैसा रहेगा रहेगा, तू मांग ले। नहीं वो क्या सोचेंगे? 500 और सही, लेकिन जॉनी को गिफ्ट नहीं देगा तो वो क्या सोचेगा वो सोच। और हाँ 600 मांगना। 600 किस लिए? 100 मेरे लिए, सुबह से तेरे साथ भटक रहा हूँ। कल का मैच तुम्हें अपना टैलेंट दिखाने का एक सुनहरा मौका है अर्जुन, बाकी टीम के लड़के तो इसलिए खेलते हैं कि 1,000 रुपए कमा लेंगे और पार्टी मना लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये खुद को साबित करने का मौका है। मूर्ति सर ये मान गया। मान गया इतनी जल्दी? क्या पिलाया तूने? जन्म गुट्टी। अभी तू इतना क्या सोच रहा है, जैसा मैंने तेरे को सिखाया ना वैसे ही करना, 2-3 चौके छक्के मारना और आउट हो जाना, 1,000 रुपए सीधे अंदर, 500 तेरे 500 तेरे भाई के। तो हम चले? ठीक है, तू किट लेके आ, हम लोग लिटिल लिटिल मार के आते। तैयार हो जा। ए पैसे है ना तेरे पास? पापा मैं और मम्मी यहाँ पर है, कल मेरा बर्थडे है ना, तो हम आंटी को इनवाइट करने आए हैं। मम्मी का आती होंगी। अब कहाँ जा रहे हो पापा? जल्दी आ जाऊंगा। पापा पास पास, मम्मी आपको देख लेगी। पापा जल्दी जल्दी आ जाओ। जॉनी बादाम दूध पियोगे? नहीं चाहिए। मैं
मैं भी आपके साथ चलूं पापा, प्लीज प्लीज। नहीं बेटा, मुझे आने में देर होने वाली है। प्लीज पापा, मुझे ले चलो ना प्लीज। मैंने आज तक कभी आपको बैटिंग करते हुए नहीं देखा है, प्लीज पापा। नहीं। सारा, मैं राजेश के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ। फिल्म देखने? वाओ, मैं भी चलता हूँ, मजा आएगा। प्लीज पापा, इसे भी ले जाओ, कल इसकी छुट्टी है। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है चल। ये ये अबे कौन है घन चक्कर? पापा घन चक्कर का क्या मतलब है? मतलब चक्कर लगा के जाना। ओ आराम से। थैंक यू मम्मा। ओ गुड मॉर्निंग बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। तोहफा पसंद आया? अच्छा सुनो, जाकर ब्रश कर लो, जल्दी करो, ठीक है? मैं इसे रख देती हूँ। वाओ! हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। आज मैच खत्म होने के बाद अंकल की दुकान पे रुक के तुम्हारे लिए जर्सी ले लेंगे। सच्ची? दाल सब्जी बना दी है, थोड़ी देर बाद तुम चावल बना लेना, ठीक है? ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कैसे जॉनी? अर्जुन, तुम इसे नहीं जानते होगे, नंदू हमारे क्लब का नंबर वन बैट्समैन, ये अर्जुन एक्स रणजी प्लेयर, इसके बारे में सुना होगा तुमने? कभी नहीं सुना। दरअसल अर्जुन हमारे क्लब का फ्यूचर असिस्टेंट कोच बनने वाला है। ओह, इतना अच्छा प्लेयर है। क्या अंकल, इतने दिन कहाँ थे? गावस करके रिटायर होने का वेट कर रहे थे क्या? मूर्ति सर, असिस्टेंट कोच ये बना तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इतनी चिंता मत करो मेरी, मैं अपनी पारी खेल चुका हूँ बेटा। तुम ना अपनी सोचो, क्योंकि सामने शेर है। अरे क्या ये सब, बार बार शुरू क्यों जाते हो? बस करो यार, रुको, रुक जाओ, बस बंद करो। जॉनी, राजेश अंकल के पास रहना, ठीक है? आजा आजा। हैदराबाद टीम के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मैच है। जॉर्ज और न्यूजीलैंड के बीच एलबी स्टेडियम से इस मैच का सीधा प्रसारण, और अब समय हो चुका है टॉस का। टॉस करें? यस, टेल्स। इट्स टेल्स। यू वन द टॉस। आई थिंक वी विल हैव टू बैट। दोनों टीमें जोश और खरोश के साथ मैदान में एंटर करते हुए। जॉन स्पीयरमैन तैयार, और वो सामना करेंगे निवास की पहली ओवर की पहली गेंद का। वेल टाइम्ड शॉट, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, और न्यूजीलैंड की टीम ने पहले ही गेंद पर अपना खाता खोला, और ये मैसिव छक्का गेंद स्टेडियम के बाहर।
हैदराबाद की टीम कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही। अब तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। ढोल बाजा की पेमेंट करके इनको घर पे भेज, आज जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड्रू का खेल आक्रामक होता जा रहा है और इस बाउंड्री के साथ एंड्रू ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। बहुत खूबसूरत शॉट, इससे अच्छी टाइमिंग मैंने नहीं देखी, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद। गुड थ्रो पापा। अर्जुन द्वारा अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। स्पीयरमैन ने स्टीयर करके एक सिंगल निकाला और इस सिंगल से स्पीयरमैन ने अपनी सेंचुरी पूरी की। बहुत ही आसान कैच, एक बार तो लगा कि उन्होंने कैच छोड़ ही दिया, पर हैदराबाद की टीम को पहली कामयाबी। बहुत ही बढ़िया ड्राइव, एक और कमाल का शॉट, एक विकेट के नुकसान पर एक अच्छा खासा टोटल और ये लगा एक और छक्का। हैदराबाद के सामने 332 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य। इनिंग खत्म हो गई, डब्ल्यू बजाओ। अभी नहीं बे। थैंक यू जी। बैटिंग पिच लगता है अपने छोकरे भी मारेंगे। सो बॉयज, हमें उन्हें टफ फाइट देनी है। ओके सर। बहुत ही सोच समझ के खेलना है सर। हमें 6.5 का रन रेट चाहिए। वेरी गुड शाबाश सर। हाँ बोलिए। अर्जुन बहुत अच्छा प्लेयर है, फर्स्ट डाउन उसे भेज दें क्या? ओह, आप मुझे सिखा रहे हैं? बॉयज गेट गोइंग, गेट गोइंग। अपने कोच का नाम खराब मत करना। हैदराबाद ने भी पहली शॉट। जॉन व्हीलर की ये गेंद अंदर आते हुए बैट पर लगी है। अपील और अंपायर का इशारा आउट। क्या अब अर्जुन को भेजें? अरे सर, आप बीवी से लड़के आए हैं क्या? कैप्टन और कैप्टन रविंद्र का लाजवाब शॉट। रविंद्र और नंदन की बेहतरीन पार्टनरशिप बनती हुई नजर आ रही है। अरे बेटा, आज तुम भी खेल रहे हो? रुको, मैं सबको बुला कर लाता हूँ। और ये एक और शॉट, गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई, आउट हो सकते हैं। और ये आसान सा कैच सर। अब तो अर्जुन को भेज सकते हैं ना? परेशान मत कीजिए, वरना मैं रिजाइन करके अपने घर चला जाऊंगा। प्लीज। न्यूजीलैंड की टीम गेम पर अपनी पकड़ जमाते हुए एक और आउट। हैदराबाद ने एक और विकेट खो दिया। ये नुकसान भारी पड़ सकता है। अर्जुन कम ऑन, तैयार हो जाओ। सॉरी। देखते हैं अब क्या होता है। 40 वर्षीय अर्जुन हैदराबाद के लिए नंबर 5 पर खेलने आए हैं। इस उम्र में अक्सर प्लेयर्स रिटायर होने की कगार पर रहते हैं। क्या ये हैट्रिक बचा पाएंगे? और ये व्हीलर की अगली गेंद, क्या वो हैट्रिक ले पाएंगे? और ये घुमा दिया, बहुत ही अच्छा शॉट बाउंड्री की तरफ, और ये 4 रन। अर्जुन की बहुत अच्छी शुरुआत। गुड शॉट पापा। इस उम्र और इस स्थिति में किसी भी बैट्समैन के लिए ऐसा परफॉर्म करना आसान नहीं होता, पर इन्होंने कर दिखाया। व्हीलर फिर भी विकेट लेने के लिए कोशिश जारी रखेंगे और अर्जुन ने लगाया एक और बेहतरीन शॉट। बॉल बाउंड्री को चूमते हुए निकल गया। दम है तो एक और सिक्स मार के बता। ऐसा माना जाता है कि व्हीलर ऐसी परिस्थिति को संभालना बखूबी जानते हैं। और ये आखिरी गेंद इस रोलर कोस्टर व्हीलर ओवर की पूरी ताकत के साथ घुमा दिया। आगे बढ़कर स्विंगर्स ने इसका पूरा फायदा उठाया और ये 6। और बॉल पॉकेट की गति से ग्राउंड के बाहर जाते हैं। बहुत अच्छे, टेरिफिक शॉट, बॉल की धज्जियां उड़ा दी। ब्रिलियंट। अबे ओए, रुक के बजाना। कोई भी युवा खिलाड़ी शर्मा जाए। और ये गेंद हवा में बाउंड्री के पार। अर्जुन 40 साल के हैं या 20 साल के, ये कहना मुश्किल हो गया है। और हैदराबाद के स्कोर में 4 रनों का और इजाफा। बॉलिंग चेंज, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं और ये स्टंप आउट। चक्रवर्ती की घर वापसी, अर्जुन को नॉन स्ट्राइकर सेंट पर रखने की पूरी कोशिश। ऑस्टिन नैश की बढ़िया गेंद, एक और विकेट और इस बार मिडिल स्टंप उखड़ गया। नए ओवर की पहली गेंद, प्रवीण खेल रहे हैं, हवा में उछाल दिया है और ये सेफ नहीं लग रहा। और कैच आउट। कोई गलती नहीं, हैदराबाद का हुआ विकेट खो चुका है। अब ये खेल ऐसे मोड पर आ चुका है जहां कुछ भी हो सकता है। 9 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। अर्जुन स्ट्राइक पे है इसीलिए आस है और उन्होंने आगे बढ़कर छक्का मार दिया। बस इसी की जरूरत थी। हैदराबाद को चाहिए 8 गेंदों में 12 रन। इस ओवर की 2 आखिरी गेंदें बची हैं और ये कौन बेहतरीन शॉट। और बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रन। और ये इस ओवर की आखिरी गेंद, आगे बढ़कर लगा दिया है एक शॉट। गेंद हवा में, 6 रन मिलते हैं या 4। हैदराबाद के प्लेयर्स पर खुशी की लहर। आखिरी ओवर में जीत के लिए 2 रन की जरूरत। व्हीलर बॉलिंग पर
कैप्टन के लिए ट्रिकी सिचुएशन, बैट्समैन पे दबाव बढ़ा दिया है। आखिरी ओवर की पहली गेंद और ये डॉट बॉल। व्हीलर के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। इस ओवर में तय होगा इस मैच का नतीजा। अच्छी बॉल, गेंद को मिला एक एक्स्ट्रा उछाल। अभी भी दो रन चाहिए चार गेंदों में। दोनों टीमें दबाव में खेल रही हैं और ये तीसरी गेंद कोई रन नहीं। अब केवल तीन गेंदें बची हैं। हो सकता है हैदराबाद के तीन बॉल में सिर्फ दो रन ही चाहिए। स्ट्राइक मुझे दे, टेंशन मत ले। क्या ये नए खिलाड़ी एक रन लेकर फिर से अर्जुन को स्ट्राइक पर ला पाएंगे? बैट्समैन ने बॉल को कनेक्ट किया, सिंगल लेने की कोशिश, अर्जुन मना कर रहे हैं, उन्हें वापस भेज रहे हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बैट्समैन वापस क्रीज पर आया और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने बॉल छोड़ दिया। रन आउट का बेहतरीन मौका चूक गए। आखिरी दो गेंदें, देखना है क्या होता है। और बैट से अच्छी तरह कनेक्ट हुई है और ये एक रन के लिए निकल रहे हैं। अर्जुन रुक रहे हैं, पता नहीं ये क्या कंफ्यूजन है। आखिर रन के लिए दौड़े, क्या वो पहुंच पाएंगे? हैदराबाद लगभग जीती हुई मैच हार गई। व्हीलर की शानदार बॉलिंग। यकीन नहीं होता हैदराबाद ये मैच हार गया। वो लगभग जीत के कगार पर थे। अर्जुन की इतनी अच्छी पारी खेलने के बाद भी हैदराबाद मैच हार गया। जी हाँ, अर्जुन उस वक्त क्रीज पर आए जब हैदराबाद की उम्मीद बिल्कुल बिखर चुकी थी। न्यूजीलैंड की टीम ने अर्जुन का हौसला बढ़ाया। गुड जॉब, थैंक यू, वेरी नाइस बैटिंग। थैंक्स, थैंक्स गाइस। तालियों के हकदार हैं। वेल डन अर्जुन। मेरा शेर। कमेटी मेंबर्स के पास चलते हैं। अर्जुन, लगता है वो लोग चेक देंगे। 200 रुपए कम भी देंगे तो चलेगा, लेकिन तू कैश मांगना। तुझे कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, ये चैरिटी मैच था। हमें कोई पैसा ऐसा नहीं मिलता। क्या कहा? सारा पैसा चैरिटी को जाता है। चैरिटी? सर मजाक कर रहे हैं ना, टांग खींच रहे हैं। इस गधे से क्या मजाक करना। तुम्हारे मैन ऑफ द मैच होने पर 3,000 और मैच फीस के 1,000 सारे पैसे मैंने सिलेक्टर्स को खुश करने के लिए चैरिटी में दे दिए। प्लेयर्स फीस, टिकट के पैसे, स्पॉन्सरशिप, सारा पैसा चैरिटी में जाएगा। तभी तो वो तुम्हें दोबारा मौका देंगे ना, वरना न्यूजीलैंड टीम हमारे क्लब के साथ मैच क्यों खेलती? चलो मेरे साथ। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वही टेक्निक, वही बैलेंस, वही फ्लो। 40 साल के हो लेकिन जोश वही पुराना है। सारे के सारे कमिटी मेंबर्स तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। तुम्हारी असिस्टेंट कोच की नौकरी एकदम पक्की समझो। क्या खेला तुम? बस कीजिए सर, आपकी सुई एक ही जगह अटक गई है। आपको बात समझ में नहीं आती? नहीं खेलना है मुझे क्रिकेट, ना प्लेयर बन के ना असिस्टेंट कोच बन के। जो आपके सामने खड़ा है वो पुराना अर्जुन नहीं है, मेरे बीवी है, बच्चा। अर्जुन रुक तो, चल जाओ। नहीं पापा, किट किट तो ले लो पापा। पापा आपने बताया नहीं आप इतना अच्छा खेलते हो। पापा आपका स्क्वायर कट तो क्या कमाल था। ये पापा, दुकान तो पीछे चली गई। पापा पापा, दुकान पीछे है पापा, जर्सी की दुकान पीछे है पापा, यू टर्न ले लो। पापा हेलो कार्तिक, आ जा। बाबू इस तरह खड़े क्यों हो? जाकर बच्चों के लिए चेयर ले आओ ना। अभी कुछ काम से बाहर गई है। क्या दिखा रही थी? ये देखो। और कोई चारा नहीं है।
मुझे ढूंढ रहे थे क्या? ये सब भी ले लो और बेच दो इनको। जा। अपने ही घर में अपनी बीवी की पर्स से चोरी कर रहे हो? हाँ? मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन हर बार यू प्रूव मी रॉन्ग। अपनी सैलरी से मैं हर महीने पैसे बचाती रही उस लॉयर की फीस के लिए, ताकि तुम्हें तुम्हारी खोई हुई जॉब वापस मिल सके। बाबू, तुम क्या चाहते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हें पालती रहूं? आवारा गर्दी करते थे, अब चोरी भी करने लगे हो। अगर किसी दिन जरूरत पड़ी तो जाके मुझे ही बेच दोगे। खुद को तुम्हारी बीवी बोलते हुए मुझे शर्म आती है। कब सुधरोगे? जब तुम इस तरह की लापरवाही करते हो तो मुझे हमेशा लगता है कि वो मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जीना हराम हो गया है मेरा। मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं थक गई हूँ, मैं क्या करूँ? इस जन्म में तो मैं तुम्हें झेल रही हूँ, अगले जन्म में मत मिलना। तुम पति बनने के लायक नहीं हो। निकम्मा तो था ही, अब चोर भी बन गया। पापा, आपने मेरा बर्थडे खराब कर दिया। मैंने केक भी नहीं काटा और मेरे सारे दोस्त चले गए। टीचर कहती है चोरी करना बुरी बात है, और आपने अपने ही घर में चोरी की। अब लोग मुझे चोर का बेटा कहेंगे। मैं कितना प्यार करता था आपसे। पापा, आप अच्छे पापा नहीं है, आप बहुत बुरे हैं। आई हेट यू। पापा को माफ कर देना बेटा। ए किरण, चलो चलो खेलते रहो। इस बुढ़े पर चिल्लाते हो? हाँ, कोई और ऐसा करता तो ग्राउंड के 10 राउंड लगवाता, और तुम बेटे जैसे हो। देखो, तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, फिर भी तुम्हारे साथ छोटे से छोटी बड़े से बड़ी बात शेयर करता हूं, क्योंकि तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं। चलो, जो हो गया उसे भूल जाओ। आप जीत गए सर, मैं इस गेम से दूर नहीं रह सकता। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं बिल्कुल सही था। यू आर बॉर्न फॉर दिस गेम। कल राम सर से मिलते हैं। वो असिस्टेंट कोच पोजीशन अगर तुम्हें मिल गई ना। कोच नहीं सर, प्लेयर। प्लेयर? हाँ सर, प्लेयर। मैं फिर खेलना चाहता हूँ, वो भी इंडियन टीम के लिए। अर्जुन देखो सर, इस बार पीछे नहीं हटूंगा। तुम 40 साल के हो गए हो। इस उम्र में एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन रिटायर होता है। ख्वाब देखने की कोई उम्र नहीं होती और उसे पूरा करने का कोई सही वक्त नहीं होता। 40 साल बर्बाद कर चुका हूँ सर। आज 500 रुपए के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चे की नजरों में चोर बन गया सर। अब बस मुझे खेलना है। तुम्हारा मन खेलना चाहता है, पर तुम्हारा तन तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब सबने मुझसे उम्मीदें लगाई रखी थी, तब मैंने सबकी ख्वाहिशों को कुचल डाला, सबका भरोसा तोड़ डाला मैंने। आपका, सारा का, दोस्तों का, सबका। आज खेलने के बाद पुराना कॉन्फिडेंस फिर से जाग गया है। आज सुबह मैच के बाद मेरे बच्चे का सर फक्र से ऊंचा हो गया था। वहां झुक के सलामी दे रहा था, वहां पर अब चाहे कुछ भी हो जाए सर, उसके सर को मैं झुकने नहीं दूंगा। हाथ से एक नई शुरुआत होगी। दस साल पहले जिस मोड़ पे जिंदगी को छोड़ा था, वहीं से शुरू करूंगा।
जान भी दे दूंगा, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलूंगा। गुड मॉर्निंग कोच। गुड मॉर्निंग सर। ए, ये कोच नहीं है, प्लेयर है। बैठ। ये कोच नहीं, प्लेयर है। चलो बैठ जाओ। बैठ मस्त है यार। सुन, कोच आ गए क्या? हाय। कैसे? अच्छा। लेट तो नहीं हुआ ना? कल अच्छा खेला तू। बॉयज, मैं हूँ रामानंद हेगड़े, कोच और सिलेक्शन कमेटी का मेंबर कर्नाटका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। हैदराबाद टीम लाइन में आ जाइए प्लीज, और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सलीम, राइट हैंड बैट्समैन। हेलो। रवि, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। श्रीकांत, ओपनिंग बैट्समैन। माधव, राइट हैंड बैट्समैन। अजीत, बॉलर सर। ऑल द बेस्ट। अरे तुम तो असिस्टेंट कोच मूर्ति हो ना? मैंने तो सुना था मूर्ति कोई बुजुर्ग आदमी है, तुम्हारा तो एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। अर्जुन, राइट हैंड बैट्समैन। ओके बॉयज, चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। नेक्स्ट, चलो बॉलिंग करो। नेक्स्ट, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइम थोड़ा आगे आके खेलना। अरे तुम नहीं, नेक्स्ट। गुड, आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं बॉयज। अकेले अकेले चाय पी रहे हैं। लोग बिजी हैं, आपको कल आने को कहा है। ठीक है। मारेगा? अर्जुन फिर से खेल, पैसा आएगा मैं बोलता हूँ। तो ज्ञान मत बांट, अकेले चुप बैठ, तेरी वजह से हुआ है ये सब। चलो कंप्लीट करो। तुम्हें अर्थमिया नाम की बीमारी है, हार्ट बीट रुक रुक कर चल रही है। अगर तुमने ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस लिया तो हार्ट फेल हो सकता है। मैं कुछ मेडिसिंस लिख देता हूं, इससे तुम्हें कुछ वक्त के लिए आराम तो मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल मत करना वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और हाँ, रेगुलर चेकअप के लिए यहां आते रहना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर।
सर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, वो लोग बिजी हैं, आपसे नहीं मिलेंगे। सॉरी पापा। चल मेरे साथ। पैसे लाया, ले ले। ये ले, 500 चाहिए था ना? नहीं चाहिए यार। हाय अर्जुन, क्या बात है, सही टाइम पर आए हो, कम इन। नहीं सर, मैं यहीं पर वेट करता हूं। अरे इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो, मूर्ति ने बताया मुझे, आ जाओ बात करते हैं। सर, इस साल हमने दो नए कोच अपॉइंट किए हैं। 5 साल पहले रणजी जीतने के बाद पिछले साल हैदराबाद की टीम आखिरी नंबर पे थी, इसलिए वो इस साल नई टीम बना रहे हैं। इस बात से सब बहुत परेशान है। वो जो ब्लू सूट में बैठे है ना, वो है मिस्टर अतुल, बॉम्बे टीम के कोच। बॉम्बे टीम जो पिछले 3 सालों से रणजी जीत रही है ना, उसके पीछे इन्हीं का हाथ है। और ये जो उनसे बात कर रहे हैं ना, ये हैं रामानंद जी, कर्नाटक टीम के कोच। मैं इनसे ग्राउंड पे मिल चुका हूँ। ओह, तुम बहुत पहुंची हुई चीज हो। मैं तुम्हारा इंट्रो करवाता हूँ। जेंटलमैन, आप लोगों को अर्जुन याद है, एक्स रणजी प्लेयर जो रिटायर हो चुके हैं, अब ये हमारे साथ ही काम करेंगे असिस्टेंट कोच की हैसियत से। नहीं सर, कोच की हैसियत से नहीं, प्लेयर की। क्या जी? मैं फिर से खेलना चाहता हूँ सर। तुम जरा बाहर वेट करो। कल जो मीटिंग के लिए आया था वो यही लड़का था ना? यस सर, इसका नाम है अर्जुन। 1980 और 85 में रणजी और दुलीप ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तब मैं इसे परख नहीं पाया था। लेकिन उसके रिकॉर्ड देख लीजिए सर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कमाल कर दिया इसने। टूर्नामेंट में हाईएस्ट बैटिंग एवरेज है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, मुझे भरोसा है अच्छा खेलेगा, टीम को इसकी जरूरत है। तुम्हारे बोलने के हिसाब से अगर उसमें टैलेंट है तो वो यहाँ स्क्रीन पे नहीं, इंडियन टीम में होता। इसलिए मेरा वक्त खराब मत करो। कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं सर, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ चैरिटी मैच में उसका जो परफॉर्मेंस था वो एक बार देख लीजिए आप प्लीज। हेगड़े, अपनी ये बकवास बंद करो प्लीज। ये 40 साल का बुड्ढा है और तुम उसे टीम में लेने के लिए कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इसकी जगह हम किसी और यंगस्टर को ले सकते हैं जो नेशनल टीम में खेल के देश का नाम रोशन कर सके। इस थके हुए खिलाड़ी को लेकर तुम टीम को डुबाना चाहते हो क्या हेगड़े? इसमें हंसने वाली क्या बात है? सर, राजेश खन्ना का एक डायलॉग पता है आपको? आनंद फिल्म का डायलॉग है, बहुत बढ़िया है, मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, सुना। इसलिए उम्र बड़ी होने से कुछ नहीं होता, खेल बड़ा होना चाहिए सर। कहाँ राजेश, मैं आपको गारंटी देता हूँ सर, माइंड ब्लोइंग प्लेयर है ये। अर्जुन, नेट में जाना है, तैयार हो जाओ। सर, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। सर, ये जो जा रहा है ना, बहुत अच्छा बॉलर है। दूसरा ग्लव कहाँ चला गया? यहीं पे तो रखा था। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। नहीं बॉस, अर्जुन चलो देर मत करो, कम ऑन। अब कहाँ चला गया? दूसरा ग्लव का बॉलिंग करो। सर, वहीं पे रखा था, मिल नहीं रहा। तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या? गेट आउट। क्या ये सुपर यार। मजा आ गया। अरे एक मिनट, काटा लोग मारा था वो। मिल नहीं रहा है सर। बेचारे का मुंह देखने लायक था। तू सिर्फ मुझसे हाथ का ग्लव्स ही छीन सकता है, मेरे हाथ की लकीरें मुझसे नहीं छीन सकता। आइंदा अगर तूने ये नीच हरकत की तो उस दम्स की जगह तुझे काट दूंगा। खड़ो। अगर तुम दोनों का यही रवैया रहा, दोनों को स्टेडियम में कभी कदम नहीं रखने दूंगा मैं। चलो अब जाओ यहां से। चल यार। तुम उस रमिया को जानते हो ना? अरे वो जर्नलिस्ट, ये आर्टिकल लिखा है उसने।
कल एसोसिएशन मीटिंग में लोग तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। सर पर ये आर्टिकल, सर, अरे इस बार रणजी ट्रॉफी को लेकर हैदराबाद टीम बहुत सीरियस है। अतुल और रामानंद ने मिलकर सबसे बेहतरीन 35 खिलाड़ियों को चुना है। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद रणजी टीम के लिए उन 35 में से 15 खिलाड़ियों को चुना जाएगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसमें से कोई भी बाहर हो सकता है। सर मैं सिलेक्ट हो गया ना? अरे हंस क्यों रहे हो? बताया था ना कभी भी किसी को भी निकाला जा सकता है। अभी भी कह रहा हूं ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। 84 साल की उम्र में फौजा सिंह ने भागने का रिकॉर्ड बनाया। एडल काया किंग, उम्र 40 साल। ऑस्कर स्वॉलिंग शूटिंग, उम्र 60 साल। इन सभी खिलाड़ियों ने अपनी अधेड़ उम्र में या बुढ़ापे में खेल की शुरुआत की और कामयाब भी हुए। एक बात समझ लो, उम्र से कुछ नहीं होता अर्जुन, इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए। तुम्हारी उम्र ज्यादा होने की वजह से तुम्हें दुगनी मेहनत करनी होगी नए खिलाड़ियों से ज्यादा। मुझे 10 साल पहले वाला अर्जुन चाहिए जो चट्टान की तरह था। अगर इंडियन टीम में खेलना है तो एक ही रास्ता है, तुम्हें रणजी में अच्छा खेलना होगा, तभी सिलेक्टर्स तुम्हें पहचान पाएंगे। फिक्र मत कीजिए सर, मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं। तेरे को आर्टिकल लिखने की बहुत खुजली मची थी क्या? अरे आर्टिकल ही तो लिखा है ना। गर्लफ्रेंड मेरी है या उसकी? जाओ सर, माफी मांगो। क्या है बे? थैंक यू। क्या ये? वो चुपा लगेगा तेरा? सच्ची? ये माफी जी या साफी जी? आप ही चाहते थे ना 10 साल पहले वाला अर्जुन बन जाए। अबे मैंने बुरा किया और तूने किया क्या? रुक कर। यहाँ भाग रहा है? गया काम से। आज तेरे आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। लगा दूं? मुझे भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा। पापा मुझे आपको एक बात बतानी है। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मेरे स्कूल के कोच ने राहुल को इंडियन जर्सी होने पर कैप्टन बनाया था? पता है अब वो कैप्टन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जर्सी खरीदने से मैं भी कैप्टन बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे वो जर्सी मांगी थी ना, वो मुझे अब नहीं चाहिए। उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक जर्सी खरीदने से कोई कैप्टन नहीं बनता। विशाल, हाँ तुमने कहा था विशाल के पास जर्सी है, राहुल के पास नहीं। सॉरी पापा। झूठ बोलना कमजोरों की निशानी है। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मेरा बच्चा।
जिंदगी में सच बोलने से कभी घबराना मत बेटा, समझा? तो बॉयज, आज आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई। टॉप 15 को चुनने का वक्त अब आ चुका है, लेकिन उन 15 खिलाड़ियों के नाम जानने के लिए 1 दिन का इंतजार और करना होगा। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया खेले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। शाम को लिस्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा कि तुम अंदर हो या बाहर। टेंशन हो रही है आपको? हो रही है हल्की सी, पर इतनी ज्यादा नहीं। इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाया तो भी कोई टेंशन नहीं, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। तुम मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहे हो बेटा? जितना भरोसा तुम पर है मुझे अपने सगे बेटे पर भी नहीं होता। इस उम्र में टेंशन वेंशन नहीं ले सकता मैं वहां नहीं रहूंगा, रिजल्ट्स तुम ही देख लेना, मैं घर पर वेट करूंगा। पूरी बोतल ले आऊंगा, जम के जश्न मनाएंगे। हाँ एक बात याद रखना अर्जुन, भले ही तुम सिलेक्ट ना हो मुझे तुम पर हमेशा नाज रहेगा। अपने करियर में तुमसे अच्छा प्लेयर आज तक नहीं देखा मैंने, यहां तक कि अभी की इंडियन क्रिकेट टीम में। क्या तूने कोई जैक लगाया क्या? जरूरत ही नहीं है, अपना नाम तो हो गया। पहले ही खुशी देखो, पहले से ही देखो, अभी चुप रहो, देखो बस वीडियो डालने वाले। ये देख देख लिस्ट आ गई, आगे देखते हैं यार किसका नाम है लिस्ट पे। अरे तू पीछे हट, तेरा नहीं आने वाला। क्या यार 5 साल हो गए नंबर ही नहीं लग रहा, क्या करूं? इस बार मेरा नंबर नहीं लग रहा। पापा कह रहे हैं खेती करना पड़ेगा। सिलेक्ट नहीं हुआ रे, कर नहीं है। कांग्रेचुलेशंस भी करा हुआ। अरे ये किसका नंबर है? लगता है अगले जन्म में ट्राई करना पड़ेगा। यस चल निकलता हूं। ओके बाय बाय। रविंद्र, तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्ले वेल। कांग्रेट्स। मैं सिलेक्ट हो गया। श्रीधर हाँ बैठो बस में। कम ऑन बॉयज, हेलो, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन गेट इनसाइड। हे जॉनी, बाय पापा। बाय। खाना टाइम पे खा।
दोनों। ठीक है बाय। बाय पापा, बाय। हैप्पी जर्नी। बाय, बाय पापा। दोबारा कुछ काम धंधा करोगे भी या नहीं? इस वक्त हमारे हालात क्या है पता है ना तुम्हें? 3 महीने हो गए, रेंट तक नहीं भरा हमने, कर्जे में डूब रहे हैं हम। आज यहाँ खेला जाएगा मैच तमिलनाडु और हैदराबाद के बीच। हैदराबाद ने बैटिंग लेके शायद गलती कर दी। बिल्कुल, यहाँ बॉल काफी स्विंग होता है। उनके 78 रन पे 3 विकेट्स गिर चुके हैं। मैच के शुरुआत में तमिलनाडु ने नंदन रेड्डी, रघु और विजय को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। बालाजी अपने लय में नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गेंद पर बैट्समैन को बीट किया, आउट होने की पूरी संभावना थी। हैदराबाद के कैप्टन रविंद्र स्ट्रगल करते हुए, और ये विकेट कीपर द्वारा कैच पकड़ने की अपील, और ये आउट। एक और विकेट मिल चुका है तमिलनाडु को। हैदराबाद के कप्तान पवेलियन की तरफ लौटते हुए, अर्जुन तैयार हो जाओ, अगली बारी तुम्हारी है। ओके सर। देखने वाली बात ये होगी कि आगे की पारी को कौन कौन बैट्समैन संभाल पाता है। अर्जुन तुम क्रीज छोड़ना मत, रन्स बने या न बने मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, बस खेल खत्म होने तक तुम क्रीज पे टिके रहना। याद रखना कि तुम्हें इस गोल्डन चांस का पूरा फायदा उठाना है। ऑल द बेस्ट। हैदराबाद को एक भी विकेट का नुकसान अब भारी पड़ सकता है। अर्जुन संभाल के खेलना, पिच सही नहीं। बैट्समैन जो आएंगे वो है श्रीकांत। ओ, लगता है उन्होंने किसी और को भेजा है। स्ट्राइक पर है हैदराबाद के अर्जुन। इस बॉलर को संभाल के खेलना। यह हुआ, ये लाइनअप में फेरबदल कुछ समझ में नहीं आ रहा। 40 साल के अर्जुन 1996-97 में उम्र में सबसे बड़े प्लेयर हैं। बेशक उनका एक्सपीरियंस हैदराबाद की टीम को बहुत काम आएगा। अर्जुन का सामना होगा बालाजी से, जो कि तमिलनाडु की टीम के एक मजे हुए बॉलर हैं। वैसे तमिलनाडु ने आज काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से हैदराबाद की टीम पर पहले से ही दबाव है। अर्जुन चारों ओर अपनी नजर दौड़ाते हुए सामना करेंगे बालाजी की पहली गेंद का। बल्ला घुमा दिया है, गेंद हवा में, क्या ये गेंद कैच कर ली जाएगी? नहीं, ये सिक्स है। गुड शॉट। ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि 4 दिन के मैच के पहले ही दिन किसी बैट्समैन ने आते ही पहली ही गेंद पर छक्का मारा हो। वैसे मैं बता दूं, 86-87 में खेली गई रणजी में सबसे ज्यादा स्कोर अर्जुन का ही था। अर्जुन ने पुल कर दिया है, गेंद हवा में, 4 रन हो सकते हैं, नहीं ये 6 रन है। Yes. क्या इनकी हैट्रिक हो पाएगी? इसका पता तो अगली गेंद में ही चल जाएगा। वैसे बालाजी खुश नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल सही, उन्होंने गेंद को बॉलर के ऊपर से उछाल दिया है 6 रनों के लिए। आगे बढ़कर जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने इस बॉल को खेला है वो काबिले तारीफ है। व्हाट अ शॉट, बढ़िया। और इसके साथ ही उनके 50 रन पूरे। क्या शॉट था, एक और खूबसूरत शॉट, 4 रन। सेंचुरी से 4 रनों की दूरी पर अर्जुन जबरदस्त पारी खेल रहे हैं, और इस सिंगल के बाद 3 रन बचे हैं उनकी सेंचुरी पूरी होने में। थोड़ा सा पीछे हटकर शानदार तरीके से खेले हैं और बाउंड्री पार करा दी है। नौजवानों को पसीना आ रहा है। अर्जुन लगे रहो। मैच का रुख हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया है। अर्जुन की इस ऐतिहासिक पारी का पूरा मजा तमिलनाडु के सपोर्टर्स ने भी लिया होगा। अर्जुन ने वर्ल्ड क्लास, मैं तो अर्जुन का फैन हो गया हूँ शशि। ग्रेट इनिंग्स अर्जुन, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। गुड जॉब। अच्छा, थैंक यू सर, वेल प्लेड, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। थैंक यू। वो सेंटर अर्जुन, दैट वाज ग्रेट। तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने कमाल कर दिया है, पर शायद तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हारी वजह से टीम को कितना बड़ा रिस्क हो सकता था। मैंने तुम्हें क्या कहा था याद है? आपने कहा था क्रीज पर टिके रहना। वेल प्लेड। थैंक यू। मैच का दूसरा दिन और एक और चौका। बहुत अच्छे फॉर्म में है अर्जुन, उठा दिया है 4 रनों के लिए। अपने दोहरे शतक में सिर्फ 2 रन चाहिए अर्जुन को। इसी के साथ अर्जुन की डबल सेंचुरी पूरी। कमाल की फूर्ति इस उम्र में भी। बताना क्या लिखा है। हैदराबाद टीम के प्लेयर अर्जुन ने हैदराबाद को डबल सेंचुरी से जिताया। थैंक यू। अगला मैच गोवा और हैदराबाद के बीच। और हैदराबाद फिर से एक बार विजेता। यॉर्कर के लिए एंगल चेंज कर दिया। बिहार बनाम हैदराबाद। अर्जुन ने हैदराबाद को दिलाई ऐतिहासिक जीत।
इस गोली से तुम्हें आराम तो जरूर मिलेगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ तक कि तुम्हारा हार्ट भी फेल हो सकता है। हरियाणा वर्सेस हैदराबाद, कमाल की फूर्ती। हैदराबाद एक के बाद एक जीत के झंडे गाड़ते हुए। डबल सेंचुरी और दो सिंगल सेंचुरी बनाई है अर्जुन ने। बेहतरीन हमारी टीम अब लीग में पहुंच चुकी है। ये! असली खेल का मजा तो अब शुरू होगा। आज मैच खत्म होने के बाद अंकल की दुकान पे रुक के तुम्हारे लिए जर्सी ले लेंगे। सच्ची? हेलो होटल ताज, हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो हेलो, कोई प्लेयर ध्यान में है? मेरे ध्यान में एक प्लेयर है, उसका नाम है युवराज। वो पंजाब से है और उसने लगातार 3 सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, 3 सेंचुरी? इतना ही नहीं, उसने 20 विकेट भी लिए हैं। हेलो सर, क्या खबर है? मुंबई हमेशा की तरह टॉप पर है। एक बात और सर, एक प्लेयर है हैदराबाद से, कमाल का खेलता है सर। कौन? अर्जुन, राइट हैंड बैट्समैन है हैदराबाद टीम से। अरे जॉनी, तेरे को पता है तेरे पापा का फोटो आज पेपर में छपा? हाँ हाँ पता है, तू फील्डिंग कर। मेरे सुपर हीरो पापा। पापा पापा पता है मैंने ना आपकी फोटो पेपर में देखी। रम्या मेरी बात समझो, मैं ये नहीं कर सकता। अरे तुम समझते क्यों नहीं, मैं तंग आ गया हूँ। ओके, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती नंदू की है, लेकिन फिर भी नहीं, उसके साथ ही रहना, उसे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन अगर अपनों का साथ हो तो मुश्किलें आसान लगती हैं। मेरी बीवी सारा चाहे मुझसे जितनी भी नाराज हो पर मुझे सपोर्ट करती है, और मैं उसके लिए कभी कुछ नहीं कर पाया, कभी 2 रुपए का गजरा तक नहीं लाया, फिर भी वो मेरे लिए सब कुछ करती है। निकम्मा होने के बावजूद भी वो मुझे खुशी खुशी पालती है, घर की सारी जिम्मेदारियां वही निभाती है। अगर उसे ही मुझ पर भरोसा नहीं होता तो मैं दोबारा कभी नहीं खेल पाता। मेरे यकीन करो, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे तुम्हारा गेम बहुत पसंद है, तुम बहुत ही अच्छा खेलते हो अर्जुन। सच कहूं तो तुम्हारा हर एक शॉट परफेक्ट होता है। मैं अगर थोड़ी प्रैक्टिस करूं तो शायद तुम्हारी तरह खेल पाऊं, लेकिन जिस तरह से तुमने रम्या को समझाया वैसा मैं नहीं कर पाता। थैंक्स अर्जुन, आई एम रियली सॉरी ब्रो। लेट्स प्ले फॉर द टीम। और ये मैच उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के बीच फिर से अर्जुन द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन। अर्जुन और नंदन रेड्डी की शानदार 201 रनों की पार्टनरशिप। सर, आपके क्लाइंट का फोटो पेपर में आया है। अर्जुन, अपनी फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान दो, सिर्फ चौके छक्के से काम नहीं चलेगा, सिंगल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपना स्टैमिना बिल्ड अप करो, चलो अब ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ। रन, कम ऑन गो। हैदराबाद वर्सेस महाराष्ट्र। रणजी के सारे मैचेस में अर्जुन का सेंचुरी का रिकॉर्ड कुछ इस तरह है। टोटल 9 मैचेस में 1 ट्रिपल, 4 डबल और 4 सेंचुरीज बनाए हैं इन्होंने। हैदराबाद की टीम ने जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया और इसी के साथ वो सेमीफाइनल्स में। हैदराबाद टीम सेमीफाइनल में। चलो फ्रेंड्स, पार्टी करते हैं। बॉयज बॉयज बॉयज, आराम से आराम से, एक मिनट, जोश में होश खोना अच्छी बात नहीं है। पता नहीं ये बुड्ढे कब जवान हो गए। Thank you.
चेंज करके आता हूँ, फिर बाहर चलते हैं। जी। दो चाय लेकर, ये जगह याद है तुम्हें? मुझे तो टेबल तक याद है। बाबू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियां की, बहुत दुख पहुंचाया तुम्हें। आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, अब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, सब ठीक हो जाएगा, हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां होंगी। कल पापा आने वाले हैं हमें 50,000 रुपए देने के लिए, तुम वो पैसे ले जाकर उस लॉयर के मुंह पर मार देना, हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। मैं अकेले थक चुकी हूँ बाबू, बस बहुत हुआ, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। पापा से पैसे ले चुकी हो, लेने वाली हो? बाबू प्लीज गुस्सा मत करो, मैंने पैसे नहीं मांगे, पापा ने खुद ही कहा कि वो हमारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं उनसे पैसे नहीं लूंगी, जस्ट लीव इट, कोई बात नहीं। नहीं, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, तुम भी मुझे निठल्ला समझती हो ना? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो अर्जुन, डोंट यू डेयर से दैट। मैंने तुम्हारे लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया और तुम ये सब बोल रहे हो? तुमने मुझे हर्ट किया है, तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाए। मुझे एक सिंपल लाइफ चाहिए, तुम मैं और जॉनी, बस। मुझे पहले वाला अर्जुन चाहिए, बस। तुम्हारे गेम से मुझे अब कोई मतलब नहीं, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं होगा, तुम अब कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हें गलत साबित करके रहूंगा, दिखा दूंगा कि मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। हिम्मत देने की जगह मेरी हिम्मत तोड़ रही हो। साथ फेरे लेके कसम खाई थी कि 7 जन्मों तक साथ दोगी, पर इसी जन्म में साथ छोड़ रही हो। जिंदगी में पहली बार तुम पे गुस्सा आ रहा है। ये मैच है दिल्ली और हैदराबाद के बीच। ये लगा शानदार शॉट और ये गेंद हवा में पवेलियन के बाहर। अर्जुन का एक और जबरदस्त छक्का, उनको रोकना नामुमकिन होता जा रहा है। उनके अंदर जीत की एक ललक दिखाई दे रही है। मैं जीत के रहूंगा। ये लगा पावरफुल शॉट, गेंद बाउंड्री की ओर जाते हुए फील्डर ने स्टॉप कर लिया और एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस सेमीफाइनल गेम में। एक और सेंचुरी अर्जुन के नाम इस टूर्नामेंट में, मुबारक हो अर्जुन। कांग्रेट्स मैन। ए अर्जुन, ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन कुछ तकलीफ में है, उन्हें फिजियो की जरूरत है। ओह, लगता है अर्जुन की हालत ठीक नहीं है, ऐसा डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है। इस मौसम में ऐसा प्रदर्शन करना वाकई कठिन काम है। ये क्या, अर्जुन ने एड लेने से मना कर दिया है, ऐसा लगता है वो बिल्कुल ठीक है। और अर्जुन ने हवा में बैट को उठाकर अपने फैंस की सराहनाओं का जवाब दिया है। क्या हौसला है इस खिलाड़ी का और क्या खेल खेला है। हैदराबाद ने इस जीत के साथ फाइनल में प्रवेश कर लिया है। गुड प्लेयर, फिर से दोहरा शतक, रणजी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं अर्जुन। मेरा चैंपियन, वेल प्ले। आओ मेरे पीछे। बहुत अच्छा। बहुत कमजोरी लग रही है, डॉक्टर के पास ले जाओगे? डॉक्टर होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि आप इन्हें खेलने मत दीजिए, आप इनकी हालत देख ही रहे हैं, इन्हें कम से कम 2 महीने बेड रेस्ट की जरूरत है, खेलने से इनकी जान को खतरा हो सकता है। आप इनका MRI और 2D को टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर, अगले हफ्ते मुंबई में रणजी फाइनल्स है, खेल तो पाएगा नहीं। देखिए, इस वक्त ये कहना बहुत ही मुश्किल है, ऐसी हालत में इनका खेलना जरूरी है। अरे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है सारा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वीक के मैच में सिलेक्टर्स भी रहेंगे, ये मैच अर्जुन के लिए बहुत जरूरी है, वरना इतने दिनों की हुई सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आप उसकी हालत देख रहे हैं ना, उठ भी नहीं सकता है वो, ये सब देखते हुए भी आप अगले मैच की तैयारी कैसे कर सकते हैं? सारा प्लीज। बाबू प्लीज तुम चुप हो जाओ। डॉक्टर ने जो टेस्ट के लिए कहा है उसके लिए पैसे नहीं है मेरे पास, अगले महीने की सैलरी का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे और जॉनी को छोड़ के पता नहीं ये क्या करना चाहता है सर, और आप प्लीज इसे झूठी उम्मीद मत दीजिए। देखो बाबू, फैसला करने का वक्त आ गया है,
तुम मुझे या जॉनी को चुनो या क्रिकेट को चुनो। क्रिकेट खेलना है तो हमें भूलना पड़ेगा, डिसाइड कर लो। तो उसने तुझे छोड़ दिया? इट्स ओके यार। क्या मेरा वाला पटा ले यार। हाय अर्जुन। हाय। ओ ये नंदू है। हाय हाय हाय। तुम्हारी फैमिली क्या ऐसे ही हंसती खेलती रहती है? पापा, कबर्ड में मेरे पेंट ब्रशेस हैं, निकाल के दोगे? मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। चला। सचिन का पोस्टर राजू को दे दिया पापा, वो मुझसे मांग रहा था। हमारे क्लास में किसी के भी पापा की फोटो पेपर में नहीं आई है, पता है? मेरे हीरो तो आप ही हो ना पापा, इसीलिए मैंने सचिन का पोस्टर उसे दे दिया। पापा, आप फिर से क्रिकेट खेलोगे ना? तू क्या बोलता है, खेलना चाहिए नहीं? खेलो ना पापा, आपकी बैटिंग बहुत अच्छी है, मुझे हीरो जैसे लगते हो। सारा मैडम, घर आ गया आपका। सारा? सारा? जॉनी शबाना क्या खेलेंगे? मैं ऐसे जी नहीं सकता हूं सर, मुझसे नहीं होगा। मतलब मैं तुमसे ये सब गुस्से में नहीं कह रहा हूं, एक बात बताऊं, मुझसे कोई भी उधार वापस नहीं मांगता। पता है क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं उधार लौटाने की मेरी औकात ही नहीं है। एक हारा हुआ इंसान समझकर लोग बस मुझ पर तरस खाते हैं। किसी जमाने का महान क्रिकेटर आज बाई बाई का मौत आ जाए। जिंदगी ने बहुत मौके दिए मुझे, पर मैं ही कुछ नहीं कर पाया। इस दुनिया में अगर कोई मुझसे बिना मतलब के मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ मेरा बेटा है। उसका पापा कम कमाता है, ज्यादा कमाता है, सक्सेसफुल है या नाकारा है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ पापा चाहिए और कुछ नहीं। पर आज पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है, वो भी कोई बड़ी चीज नहीं, बस एक मामूली सी जर्सी मांगी थी, वो भी उसे दिला नहीं पाया। अपने बर्थडे पर उसने मुझे चोर कहा, पर आज अलमारी में सचिन की फोटो हटाकर मेरी फोटो लगा दी। पता उसने मुझसे क्या कहा? कहता है पापा जब आप खेलते हो ना तो मुझे हीरो जैसे लगते हो। सारा, मैं उसकी नजरों में दोबारा नहीं गिरना चाहता हूं, उसकी नजरों में नहीं गिरना चाहता। मुझे मत रोको सर, जाने दो मुझे। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी कदर नहीं,
नजरता उस इंसान की नहीं है जो सोफे पर बैठ के सिगरेट फूंकता था और घर का कोई काम नहीं करता था, उस अर्जुन की जो अपने बच्चे की एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाए, उस अर्जुन की अपनी बीवी को किचन में रोता हुआ छोड़ जाने वाले बदतमीज अर्जुन की तुमने मुझे कितना बर्दाश्त किया। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। फ्लाइट के टिकट्स अगर ट्रेन से जाते तो तुम थक जाते। कल सुबह 5 बजे की फ्लाइट होटल ट्रैवल डेस्क से बुक की थी। सब कुछ भुला के आज की रात मेरे साथ अच्छे से गुजार लो बाबू प्लीज। किससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे या जॉनी से? तुम मत बोलो। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आपका स्वागत है। आज रणजी ट्रॉफी फाइनल का पहला दिन मुंबई और हैदराबाद के बीच। ये फाइनल मैच है, स्टेडियम खचाखच भरा है और ये पहला रणजी मैच है रणजी टूर्नामेंट के इतिहास में। और मुंबई टॉस जीत चुकी है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और ये रही मैच की पहली गेंद और मुंबई ने अपना खाता खोल दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। एक और सनसनाता हुआ शॉट सीधा 4 रनों के लिए। हैदराबाद की टीम को अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला और ये बोल्ड हैदराबाद को पहली सफलता। भावेश की शानदार पारी। मैच का दूसरा दिन और मुंबई का बड़ा स्कोर। गुड शॉट। मुंबई आसानी से रन बना रही है। मुंबई ने बनाए हैं 454 रन 6 विकेट पर और अपनी पारी डिक्लेयर कर दी। ऑल द बेस्ट, लेट्स डू इट। तीन खिलाड़ी स्लिप में और एक गली में। शमी पहली गेंद डालने को तैयार। बाउंसर। गेंद की रफ्तार को बैट्समैन समझ ही नहीं पाए और ये बोल्ड। पारी की शुरुआत में ही हैदराबाद ने अपना पहला विकेट खोया और ये लगा फाइन एज। दूसरा विकेट डाउन और ये तीसरा विकेट। शमी की यॉर्कर गेंद और गिल्लियां बिखर गई। शानदार गेंदबाजी। हैदराबाद बहुत ही नाजुक स्थिति में दूसरे दिन का खेल खत्म 45-4। रणजी फाइनल्स का तीसरा दिन और हैदराबाद को चमत्कार की जरूरत। क्या अर्जुन पारी संभाल पाएंगे? बोल्ड। अर्जुन पहली बार नाकाम होते हुए हैदराबाद पे मायूसी की लहर। खतरनाक बल्लेबाज अर्जुन पेविलियन जा रहे हैं। हैदराबाद के लिए एक और जोरदार झटका। हैदराबाद की टीम ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई और ये बोल्ड और ये कैच आउट। एम्पायर ने उंगली उठा दी। बैक टू पवेलियन। खेल का चौथा दिन, सटीक बल्लेबाजी, एक और बेहतरीन चौका। मुंबई ने 568 रन का टारगेट दिया है जिसे हैदराबाद को चेस करना आसान नहीं होगा। तूने बहुत बेकार फील्डिंग की। तेरी घटिया बॉलिंग की वजह से उनके इतने रन बने। अब ये फालतू की बातें करके कोई फायदा नहीं है। तूने देखा ना सारे बॉलर्स की कैसे धुलाई की। जीतने का कोई चांस ही नहीं। इतनी मेहनत की हम लोगों ने, ऐसा लगता है सारी मेहनत पर पानी फिर गया। यहाँ तक पहुँचना भी बड़ी बात है। कैसे जीतेंगे कल का मैच? खुद को साबित करने का वक्त आ गया है। बरसों बाद बच्चे से मिले प्यार और इज्जत को मैं खोना नहीं चाहता। मैं उसका सुपर हीरो बन के रहूंगा। मैं जीत कर सारा को गलत साबित कर दूंगा। जीतने के लिए 90 ओवर में 568 रन का टारगेट है। 6.31 के रन रेट से खेलना होगा। अगर मैच ड्रॉ भी हुआ तो रूल्स के हिसाब से
फर्स्ट इनिंग के स्कोर को देखते हुए मुंबई ही जीत जाएगी। इस मैच को जीतने के लिए हमें ये टारगेट चेस करना ही पड़ेगा। कल तो पिच और खराब हो जाएगी सर, 90 ओवर में 568 रन बहुत टफ है सर। वो तो है सर, मैं ओपनिंग पे जाऊंगा। इस टैबलेट के ज्यादा इस्तेमाल से ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। हैदराबाद ने अपनी बैटिंग लाइनअप में बदलाव किए हैं। नंदन रेड्डी के साथ अर्जुन ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं। वाकई काबिले तारीफ है मुंबई, उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर सेट किया है। इस मैच को जीतने के लिए हैदराबाद को चमत्कार की जरूरत है और 568 रनों का लक्ष्य, वो भी 90 ओवर्स में, जो इस पिच पर हासिल करना बहुत मुश्किल। अर्जुन स्ट्राइक पर है और शमी दूसरी पारी की पहली गेंद डालने के लिए तैयार है। ओ, बहुत ही खतरनाक बाउंसर, आक्रामक गेंदबाजी शमी द्वारा। क्या हुआ, बॉल नहीं दिख रहा है क्या? चश्मा लगाना भूल गया? बल्लेबाज का ध्यान भटका रहे हैं। क्या बल्लेबाज बदले में इसका जवाब दे पाएंगे? पापा, आप दुनिया के लिए नहीं, आप मेरे लिए खेलो। खिलाड़ियों का खूबसूरती से इस्तेमाल किया, जबरदस्त शॉट। हैदराबाद का करारा जवाब, अर्जुन और नंदन रेड्डी की 73 रनों की साझेदारी। कमाल का शॉट। जितना सिंगल्स ये लेंगे हैदराबाद के लिए उतना ही अच्छा होगा। दोनों बल्लेबाजों के बीच बहुत अच्छा तालमेल। ऑफसाइड की तरफ खेल दिया है, दूसरे रन के लिए दौड़े हैं। वाह, विकेट के बीच इनकी बढ़िया तालमेल है। और इसी के साथ अर्जुन की सेंचुरी पूरी, और आज उनमें 26 साल का खिलाड़ी नजर आ रहा है। पापा की सेंचुरी हो गई, पापा बैट लिफ्ट कब करेंगे? जब डबल सेंचुरी कंप्लीट होगी ना तब। अब उन्हें 340 रन चाहिए सिर्फ 210 बॉलों में। आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, और ये गेंद मिस की, लेकिन कीपर ने चांस मिस नहीं किया। और नंदन पवेलियन लौटते हुए, हैदराबाद का यहाँ रन रेट बहुत ही कंट्रोल में है। गेंद स्कोरबोर्ड को चूमते हुए 6 रन, और ये गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, और ये कैच, जेम्स ने अपना विकेट गवाया। ओहो, रविंदर वहां पूरी तरह से चूक गए। शानदार ड्राइव, बहुत जोरदार स्ट्रोक, बॉल नजरों से ओझल होते हुए, और ये छक्का। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती। अर्जुन के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। लगता है आज अर्जुन कुछ और ही इरादे से आए हैं, उनमें एक नए हौसले की किरण दिखाई दे रही है। अरविंद चोपड़ा गेंद डालने को तैयार, देखते हैं अर्जुन अपना दोहरा शतक पूरा कर पाते हैं या नहीं। और ये बहुत ही उम्दा गगनचुंबी छक्का, अर्जुन ने यहाँ इतिहास रच दिया है, अपनी डबल सेंचुरी पूरी कर दी। जैसे ये 26 साल के नौजवान हो। बहुत खूब अर्जुन, और यही है मेरे मैन ऑफ द टूर्नामेंट। आजकल के नौजवानों को अर्जुन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हैदराबाद की टीम कामयाबी की ओर बढ़ते हुए, और मुंबई पर जबरदस्त दबाव। हैदराबाद टीम बहुत सूझबूझ से काम ले रही है। व्हाट अ शॉट, बॉल 6 रनों के लिए रवाना। गेंद को दिशा दी शमीर रास्ता रोकते हुए, लेकिन अर्जुन ने आसानी से रन पूरा कर लिया। इतने सिंगल्स लेने के बाद अर्जुन थके हुए नजर आ रहे हैं, लगता है उन्हें कुछ तकलीफ भी है, पर आज कहानी कुछ अलग है। और ये हेलीकॉप्टर शॉट, एक और बाउंड्री, अंपायर की दोनों उंगलियां आसमान की तरफ। अर्जुन को सिंगल्स की अहमियत पता है, मैच के इस पड़ाव पर हर एक रन महत्वपूर्ण है, और हर रन उन्हें मंजिल के करीब ले जाता हुआ। बहुत अच्छी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इतना डेडिकेशन मैंने गेम के प्रति पहले कभी नहीं देखा। गेंद हवा को चीरती हुई, लेकिन आसान सा कैच, और ये बोल्ड, एक और विकेट। बढ़िया कीपिंग, मुंबई की अपील, और अंपायर ने किया आउट का इशारा। हैदराबाद की 6 विकेट जा चुकी हैं, 501 पर 6, 67 रन चाहिए 36 गेंदों में। अनिल ने शॉट खेल दिया है, क्या वो दूसरा रन ले पाएंगे? नहीं, अर्जुन खुश नहीं है। अनिल, हर बॉल पे रन लेना है, सिंगल्स लेते रहना चाहिए। फील्डर्स के बीच से गैप निकाला है, लेकिन शमी फिर रास्ता रोकते हुए। अर्जुन लड़खड़ाए, लेकिन क्रीज तक पहुंच गए। ओ, गर्मा गर्मी का माहौल, मुंबई अतरंगी पैंतरे अपनाती हुई, और अंपायर उन्हें समझा रहे हैं, ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, शमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये बोल्ड, और विकेट। इस पड़ाव पर हैदराबाद ने और विकेट गवाए, तो ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अनिल वापस लौटते हुए, और स्कोर हुआ है 505 पर 7। रिक्वायर्ड रन रेट बेकाबू होता हुआ, क्या ये एक और विकेट होगा?
जी हाँ, शमी की धुआंधार बॉलिंग वो हैट्रिक पर है। हैदराबाद डगमगाती हुई 505/8। हैदराबाद को बाउंड्रीज की जरूरत है। ओवर का दूसरा चौका, एक और शॉट, फील्डर को चकमा देते हुए शमी फिर से अर्जुन के रास्ते में, लेकिन इस बार अर्जुन ने उनको सबक सिखाया। और ये फुल एनर्जी के साथ फुल शॉट, गेंद चली गई है दर्शकों के बीच। और क्या यहाँ पर एक और विकेट गिरेगी? हैदराबाद को भारी नुकसान, 532/9। हैदराबाद को प्रति ओवर 12 का रन रेट चाहिए। मुंबई और रणजी ट्रॉफी के बीच सिर्फ एक विकेट की दूरी। वाजिद खान हैदराबाद के आखिरी बल्लेबाज, यकीनन बहुत बड़ा दबाव होगा उन पर। खतरनाक बाउंसर, बल्लेबाज को कुछ भी समझ नहीं आया। एक और डॉट बॉल, क्या इस गेंद पर सिंगल लेंगे? और ये सिंगल के लिए दौड़ पड़े लेकिन नहीं, बच गए। प्रेशर की वजह से वाजिद खान हड़बड़ा गए। पिछला ओवर मेड इन ओवर था, अर्जुन क्रीज पर है, शमी सेकंड लास्ट ओवर डालते हुए। स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं और ये चौका। चलिए देखते हैं अर्जुन इस महत्वपूर्ण ओवर में क्या कर पाएंगे, क्या वो गेम का रुख मोड़ पाएंगे। गली और पॉइंट के बीच गैप निकाला, एक और चौका, जीत के करीब पहुंचते हुए। 9 गेंदों में 24 रनों की दरकार। क्रीज के बाहर आकर सीधा खेल दिया और ये छक्का, एक और चौका। इस ओवर ने हैदराबाद की जीत को एक नई हवा दी है। अर्जुन यहाँ सिंगल लेना चाहेंगे, फील्डर्स नजदीक आ रहे हैं, क्या वो रन ले पाएंगे? नहीं, मुंबई यही चाहती थी। अब हैदराबाद टीम क्या रणनीति अपनाएगी? टेंशन मत ले, तो बस आउट मत होना, बाकी मैं संभालूंगा। वाजिद, वाजिद, हमें जीतना ही होगा। वाजिद, तू बस स्ट्राइक दे दे। रणजी ट्रॉफी की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अर्जुन अपनी ट्रिपल सेंचुरी के काफी करीब हैं। एक ओवर में 14 रनों की आवश्यकता है। वाजिद स्ट्राइक पर हैं, क्या वो एक रन लेकर अर्जुन को स्ट्राइक दे पाएंगे? ओ, काफी नजदीकी मामला, वाजिद यहाँ पर चूक गए, रन लेने की कोई संभावना नहीं। पांच गेंदों में 14 रनों की जरूरत। अगली गेंद भी मिस कर दी। मुंबई ने अपना शिकंजा पूरी तरह से कस दिया है, वाजिद के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ। 4 गेंदों में अब 14 रन चाहिए, ये आखिरी मौका है इनके पास सिंगल लेने का। अब है गेंदबाजी को तैयार, टेंशन बढ़ती हुई। ये आखिरी ओवर की तीसरी गेंद और हैदराबाद को सिंगल की जरूरत है, क्या वो ले पाएंगे? फिर से एक और मिस, लेकिन वो दौड़ रहे हैं, क्या रन आउट होगा? कीपर ने थ्रो किया मगर निशाना नहीं लगा, और ये दोबारा थ्रो किया, गिल्लियां बिखर गई हैं। जोरदार अपील, क्या हैदराबाद की आखिरी उम्मीद यही खत्म हो जाएगी? अंपायर का इशारा, नॉट आउट। हैदराबाद को 3 गेंदों में 13 रन की जरूरत। क्या अर्जुन हैदराबाद को मैच जिता पाएंगे? यहाँ बाउंड्री चाहिए। अपने ही घर में अपनी बीवी की बस से चोरी कर रहे हो, तुम पति बनने के लायक नहीं हो, तुम अब कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब है ओवर की चौथी गेंद डालते हुए, क्या अर्जुन बाउंड्री लगा पाएंगे? फील्डर की आंखों में धूल झोंकते हुए गेंद ने सीमा रेखा को चूम लिया। कमाल है। क्या हैदराबाद मुंबई के हाथों से ये मैच छीन पाएगी? मुंबई गहरे सदमे में, क्या वो ये टूर्नामेंट हार जाएगी? काफी टेंस सिचुएशन यहाँ पर। 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। पापा आप बहुत बुरे हैं, आपने अपने घर में चोरी की। आई हेट यू। ओ, तगड़ा शॉट, गेंद हवा में, क्या ये दर्शकों के बीच जा गिरेगी? जी हाँ, कमाल का शॉट, हैरत अंगेज आक्रामक बल्लेबाजी। अर्जुन के जोश के पीछे कुछ न कुछ छुपा है। हैदराबाद को सिर्फ 3 रन चाहिए आखिरी गेंद पर। टीम को अर्जुन पर पूरा भरोसा है, सिर्फ एक और बाउंड्री की जरूरत है यहाँ पर। क्या अर्जुन बना पाएंगे, देखते हैं। मुंबई अपनी फील्ड को टाइट सेट कर रही है, वो नहीं चाहते कि बाउंड्री जाए। अर्जुन 298 पर अपनी ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ 2 रन दूर, और हैदराबाद को चाहिए 3 रन अपनी जीत के लिए। Come on!
थ्योरी पूरी हुई। हैदराबाद की जीत का अर्जुन ने साबित कर दिया कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके अंदर जोश और जज्बा है तो रणजी क्या आप जिंदगी के किसी मोड़ पर भी कामयाब हो सकते हैं। वाह, आई सल्यूट यू अर्जुन। जो लोग सोचते हैं कि उनकी उम्र हो गई है और वो अब कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अर्जुन से सीख लेनी चाहिए। अगर आपके हौसले बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी चट्टान आपको रोक नहीं सकती। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जॉनी, मैं जीत गया। तुम्हारा पापा जीत गया। मुंबई में रणजी फाइनल मैच के बाद मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और दो दिन के बाद हार्ट फेलियर से उनकी मौत हो गई। और सच कहूं तो मेरी जिद ने ही मेरे पापा को मुझसे छीन लिया है। मैं उनकी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया। अगर समझ लेता तो आज मेरे पापा मेरे साथ होते। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें अर्थमिया नाम की दिल की बीमारी थी। मुझे डॉक्टर ने अभी बताया कि मेरे पापा को यह बात उनकी मौत के 10 साल पहले से ही पता थी। वो बस मेरे लिए खेलते रहे। इनफैक्ट जब वो 30 साल के थे तो उनके क्रिकेट छोड़ने की वजह भी यही थी। अब से मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। क्रिकेट नहीं, तुम मेरी जान हो। पापा, आप कभी क्रिकेट नहीं खेलोगे क्या? तू क्या बोलती? खेलना चाहिए नहीं? जब आप खेलते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल हीरो की तरह। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप सबको ये पता चले। हमें ऐसा लगता है कि मेरे पापा कोशिश करते करते चल बसे, पर ऐसा नहीं है। वो मौत से आंखें लड़ाकर जिंदगी की बाजी जीत रहे थे। He was a fighter. मेरे पापा जिंदगी जीने के लिए एक मिसाल है। मुझे उन पर गर्व है।